हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनू आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज पर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपकी परीक्षा को महत्वपूर्ण 90+ मार्क दिलाने के लिए यहां पर मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जिस पर मैं इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स क्लास 12 में सीरीज चला रहा था। तो जिस पर मेरा एक नया क्वेश्चन आज का है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक बार बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए बिना स्किप किए। वीडियो को एक भी स्किप मत कीजिए, समझ में आने की 100% गारंटी मैं लेता हूँ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि ये डेरिवेशन का क्वेश्चन है तो हमें डायग्राम बनाना होगा। जब इसे डायग्राम बनाना होगा तो सबसे पहले इसे केयरफुली पढ़ना होगा। तो केयरफुली पढ़ने के लिए लिखा हुआ है संपर्क, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस। तो अब हमें पता चल गया कि संपर्क यानी आपस में दो लेंस रखे हुए हैं, तो हमारे लेंस ऐसे तो रख नहीं सकते, तो टिकाने के लिए मैंने ये बना दिया। इसके बाद मुझे बनाना है दो पतले लेंस। तो यहां पर मैं दो पतले लेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मेरा जो फर्स्ट पतला लेंस था वो बन के तैयार हो गया। इसके बाद इसी से परस्पर यानी कि जोड़ा हुआ, परस्पर यानी कि ज्वाइन लेंस एक बनाना है। तो यहां पर मैंने परस्पर एक ज्वाइन लेंस बना दिया। ये आशा करता हूं दोस्तों कि दो जो लेंस मैंने बनाए हैं वो आपके समझ में आसानी से आ गए होंगे। इतनी बात यदि आपके समझ, मान लेता हूं कि ये L1 है और ये L2 है, क्योंकि ये दोनों लेंस है तो इनका मैंने नाम L1 और L2 दे दिया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा काम बचा है दोस्तों आपको। अब आगे का रहा संयुक्त फोकस दूरी, यानी नहीं दो लेंसों के बीच में हमें फोकस दूरी की जो वैल्यू है वो निकालनी है, कि फोकस दूरी की वैल्यू जो होगी वह क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप, मैं एक लेंस के लिए जो करवा चुका हूँ उसी के आधार पर इसको भी करेंगे। तो एक लेंस के लिए जो मैंने करवाया था उस पर बताया था कि यहाँ पर हम रख देते हैं वस्तु, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु ओ, तो किसी बिंदु ओ पर मैंने फोकस वस्तु रख दिया। इसके बाद यहाँ पर इस पर मैंने फोकस डाला। जब इस पर मैंने दोस्तों फोकस डाला तो होता क्या है, ऐसे गया फोकस और इस लेंस से टकराया, और जो इसका पूरा फोकस था तो इधर आ गया, परंतु इसका जो कुछ फोकस था इसमें टकराने के बाद विचलित हो गया और विचलित फोकस मेरा इधर आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब ये विचलित फोकस था यानी कि यह प्रतिबिंब बन रहा है, जब यहाँ से मैं इधर प्रकाश डालूंगा और यहाँ रखा हुआ है लेंस, तो जब यह लेंस पर पड़ेगा तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा, तो कुछ प्रतिबिंब इसका इधर बन जाएगा और कुछ हल्का फुल्का प्रतिबिंब इधर बन जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब था तो मैंने इसे मान लिया आई, और ये हल्का फुल्का प्रतिबिंब था इसलिए मैंने इसको मान लिया डैश, आई डैश। इसके बाद आपको पता है कि प्रतिबिंब की दूरी जो हमारी होती है, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये आई है इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी वी हो जाएगी, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये आई डैश है इसलिए इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वे वी डैश हो जाएगी इधर से इधर तक की। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर है ये हमारा सेंटर पॉइंट बिंदु, तो इधर से हमारी जो दूरी होगी इस इधर तक की वे प्रतिबिंब की दूरी वी मान लेंगे, और इधर से जो इधर तक की दूरी होगी ये आई डैश है इसलिए इसे वी डैश मान लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपके समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ से हमारी ये ऑप्टिकल है वस्तु रखी हुई है, तो इतने के बीच की दूरी व्यू मान लेंगे। ये मैं आपको पिछले डेरिवेशन में क्लियर करवा चुका हूँ। तो ये आशा करता हूँ डायग्राम बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि आप एक लेंस वाला वीडियो देखे हैं, एक लेंस के लिए मैं वीडियो पर्टिकुलर बना चुका हूँ, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर आपको दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब इस पर आपको थ्योरी क्या लिखनी है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा वही है, पहली वीडियो देखें तो वही थ्योरी लिखनी है। यहाँ पर दो लेंस है, वहां पर एक लेंस था, तो यहाँ पर आपको लिखना है माना दो लेंस L1 व L2 है, बिंदु O पर एक वस्तु ऐसे प्रकाश जा रहा है दोस्तों, ऐसे माना कोई L1 और L2 दो लेंस है, बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है जहां से प्रकाश डाला जाता है, जो लेंस L1 से टकराती है और बिंदु I पर प्रतिबिंब बनाती है, और बिंदु I डैश पर भी प्रतिबिंब बनाती है, और बिंदु
ध्रुव से बिंदु आई तक के बीच की दूरी वी है तथा ध्रुव से आई डैश तक के बीच की दूरी वी डैश है। बस सिंपल सी यही थ्योरी लिख देना है। और जिनकी त्रिज्याएं आर वन व आर जिनकी त्रिज्या सॉरी यहाँ पर त्रिज्याएं नहीं होंगी, यहाँ पर त्रिज्याएं नहीं होंगी, यहाँ पर क्या होगा फोकस दूरी होगी, क्योंकि हमें यहाँ फोकस दूरी की मान निकालना है और हमारे पास दो लेंस दिए हैं, तो यहाँ पर हमारी जो फोकस दूरी पहले लेंस की हो जाएगी वो एफ वन और दूसरे लेंस की हमारी हो जाएगी एफ टू। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी बात आपके समझ में लिखना है आपको, माना कोई दो लेंस एल वन और एल टू है, बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है, बिंदु O पर जब प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश L1 से होता हुआ I पर और I डैश पर प्रतिबिंब बनाता है तथा ध्रुव से I तक के बीच की दूरी या फिर प्रतिबिंब की दूरी V है तथा ध्रुव से I डैश तक के बीच की दूरी या वापस सॉरी प्रतिबिंब की दूरी बीच की दूरी भी लिख सकते हैं और प्रतिबिंब की दूरी भी लिख सकते हैं वी डैश है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये थ्योरी लिखना आपके समझ में आ गया होगा। अब जो एक लेंस के लिए हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, एक लेंस की जो हमारी फोकस दूरी होती है वह होती है वन अपान एफ बराबर वन अपान वी माइनस के वन अपान यू। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूं, इसे भी प्रूव करके दिखाऊंगा। तो यहां से हम लेंगे लेंस एल वन के लिए, अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, सेम वही कंडीशन यहां भी अप्लाई होगी। तो यहां से मैं बता दिया था आपको कि जब भी ये वस्तु का कार्य करेगा तो ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा और जब ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा तो ये वस्तु का कार्य करेगा। इतनी बात यदि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ओ वस्तु का कार्य करता है तो आई डैश प्रतिबिंब का कार्य करता है, आई डैश किसका कार्य करता है प्रतिबिंब का, जब ओ वस्तु का कार्य करता है, और जब ये आई डैश जो है ना और ये आई डैश प्रतिबिंब का कार्य करता है, जब आई डैश वस्तु का कार्य ध्रुव पी टू के लिए यानी कि लेंस जब एल टू के लिए निकालेंगे तो ये आई टू जो होगा वो वस्तु के लिए कार्य करेगा और ये आई जो होगा वो प्रतिबिंब के लिए कार्य करेगा। इतनी बात दोस्तों मैंने आपको कापी पेन पे नोट करवा दी थी, तो आपको वही पहले कापी पेन पे जो नोट किया था उसे क्लियर कर लेना है कि जब बिंदु ओ वस्तु का कार्य करेगा तो आई डैश प्रतिबिंब का कार्य करेगा, जब लेंस एल टू के लिए जब लेंस एल वन के लिए निकालेंगे तो ओ वस्तु का कार्य करेगा तो ये आई डैश प्रतिबिंब का कार्य करेगा, जब लेंस एल टू के लिए निकालेंगे तो आई डैश प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा और आई जो होगा वो प्रतिबिंब का कार्य करेगा। यहाँ पर हमें इसी फार्मूले पर रखना है, तो लेंस एल वन की बात कर रहे हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी एफ वन, तो इसी फार्मूले पर रख रहा हूँ तो वन अपान एफ वन बराबर इसी फार्मूले से। अब वन अपान वी प्रतिबिंब की दूरी यानी ये वस्तु का कार्य कर रहा है तो ये प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है, तो यहाँ से इसके ध्रुव से इसके बीच की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है वी डैश, तो यहाँ पर हो जाने वाला है वन अपान वी डैश और माइनस इसके बाद ये वस्तु का कार्य कर रहा है तो वस्तु की दूरी कितनी है लेंस से वस्तु तक की दूरी है यू, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ यू, इससे मान लूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लेंस एल टू के लिए, जब लेंस L2 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा वन अपान F2, क्योंकि लेंस L2 है तो यहाँ पर जो हमारी फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी F2। इसके बाद वन अपान V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, मैंने आपको बताया था जब लेंस L2 के लिए निकालेंगे तो ये वस्तु का कार्य करेगा और ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा, तो जब ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा तो इधर से इधर तक की दूरी देख लेंगे तो इधर से इधर तक की दूरी है V, तो यहाँ पे लिख देंगे V। इसके बाद लगा है माइनस तो लगा देंगे माइनस, अब वस्तु की दूरी तो वस्तु का कार्य कर रहा है ये तो हमारी इससे वस्तु की दूरी हो जाएगी वी डैश, तो हो जाएगा वन अपान में वी डैश, इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमारा जो चित्र का काम है वह फिनिश हो चुका है, तो इस चित्र को भी मैं यहां से फिनिश कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट इसके पहले लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने चित्र को मिटा दिया है, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो दोनों समीकरण बने हैं इनको उठा के ऐड कर देना है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहाँ पर समीकरण एक दो थे इनको मैंने मुझे जोड़ना है, तो पहले मैंने बताया था कि बाएं बाएं का जोड़ देते हैं फिर दाएं दाएं का, तो पहले बाएं में है वन अपान एफ सॉरी वन अपान एफ वन, फिर दूसरे में प्लस यहाँ पे क्योंकि जोड़ना है तो यहाँ पे लगा लेंगे प्लस, दाएं दाएं के जोड़ेंगे पहले तो हो जाएगा वन अपान एफ टू, तो हो जाएगा वन अपान
एफ टू। इसके बाद लगा लेंगे इक्वल का साइन, क्योंकि यहाँ भी लगा इक्वल का साइन। अब राइट हैंड वाले जो पद होंगे उन्हें प्लस में लिख देंगे, तो लिखा है राइट हैंड में पहले वन अपान वी डैश और माइनस का वन अपान यू। इसके बाद हमें जोड़ना है समीकरण एक और दो को, तो समीकरण एक ही हो गया। समीकरण दो की वैल्यू राइट हैंड की क्या आई है, तो हम इसे प्लस लगा के लिख देंगे, तो वन अपान वी माइनस की वन अपान वी डैश। इतना होने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू इक्वल टू वन अपान वी और ये माइनस का वन अपान यू। आपको मैंने बताया था कि ये फार्मूला होता है वन अपान एफ बराबर वन अपान वी माइनस वन अपान यू, यानी इतने के स्थान पर हम लिख सकते हैं वन अपान एफ, तो हमारा हो जाएगा वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू बराबर वन अपान एफ। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपके समझ में आया, यही प्रूव करके लाना था। परस्पर दो लेंसों की फोकस दूरी यही होती है, वन अपान एफ बराबर वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू। उम्मीद है दोस्तों कि आपके 100% समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो भाई कितने परसेंट आया ये कमेंट पे तो बता देना। इतने डेरिवेशन करवाए कम से कम इसके लिए मेरे को एक लाइक दे देना, क्योंकि यार मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाता हूँ, कोई भी पैसा नहीं मांगता। आप किसी भी चैनल पर जाते हैं वहाँ से आपको पैसे वसूले जाते हैं फिर आपको पढ़ाया जाता है, ना मुझे कोई यूट्यूब देता है और ना मुझे आप देते हैं, सिर्फ ओनली मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और मुझे कोई हो सकता नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।